ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बनाया जा रहा है जिन्होंने 2020 में दिल्ली सहायता योजना के लिए आवेदन अप्लाई किया था और पैसे नहीं मिला था और उन्होंने क्या क्या मिस्टेक किया था। यदि आप लोग चाहते हैं कि 2021 में फिर से हमें पैसे मिले 5,000 रुपया दिल्ली सरकार की तरफ से, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दिल्ली में कोरोना का कहर काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दो अहम फैसला लिया है। नंबर 1, 72 लाख लोगों को 2 महीने के लिए फ्री राशन देने का ऐलान किया है। नंबर 2, टैक्सी ऑटो चालक को 5,000 रुपया देने का ऐलान किया है। लेकिन ये अप्लाई कब से होगा? तो ये अप्लाई करने के लिए आप सोमवार से अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कल के डेट में इसका लिंक transport.delhi.gov.in पे अपडेट किया जाएगा। जिन लोगों को 2020 में अप्लाई किया था और वहाँ पे कुछ लोगों को 5,000 रुपये मिल भी गया था, लेकिन जिन लोगों को मिल गया था उन्हें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली सरकार उसी डाटा के बेस पे धीरे धीरे उनके अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर रहे हैं। अभी तक आप लोगों को अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है तो आप लोगों को वेट कर लेना है। यदि नहीं आता है तो आप लोग transport.delhi.gov.in पे जब लिंक को अपडेट किया जाएगा तो वहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को नहीं मिला है तो आप लोगों को क्या करना है? तो आप लोगों को वहाँ से अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले आप लोगों को कुछ बातों को ध्यान रखना ज़रूरी है। नंबर 1, PSV बैच नंबर होना ज़रूरी है। और इसके बाद आपको बैंक में आधार कार्ड लिंक होना ज़रूरी है। यदि आपको बैंक में आधार कार्ड लिंक नहीं होगा तो आपको अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जाएगा। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा है, बैंक में आधार कार्ड लिंक है लेकिन उसके अकाउंट में क्रेडिट पैसे 5,000 रुपये क्रेडिट नहीं किया जा रहा है। रीज़न, क्योंकि उन्होंने कुछ टाइम से उनके अपने अकाउंट में ना ही पैसे डाला है ना ही पैसे निकाला है। तो उन लोगों को आपको करना क्या होगा? सिंपल, बैंक में जाना है, वहाँ से आप लोगों को KYC करवा लेना है। नंबर 3, उन लोगों को 2020 में अप्लाई किया था और पैसे नहीं मिला था, अलग नाम है, आधार कार्ड में अलग नाम है और ड्राइविंग लाइसेंस में अलग नाम है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंस है, इसकी वजह से भी कुछ लोगों को पैसे नहीं मिला है। तो इस स्थिति में आप लोगों को पैसे नहीं मिलेगा, आपको DL में अदर नाम है और इसके बाद आधार कार्ड में अलग नाम है, तो ये आप भूल जाइए कि आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। लेकिन आपके DL और आधार कार्ड में नंबर नाम सेम है तो आप लोगों को पैसे क्रेडिट किया जाएगा। तो transport.delhi.gov.in से आप लोग कल से अप्लाई कर सकते हैं।